थी। और मित्रों ये कथा कहानी की हमारी दूसरी गोष्ठी है और हमें बड़ी खुशी है कि जो सोच के साथ हम लोगों ने ये काफिला शुरू किया था वो बहुत ही खामा खामा आगे बढ़ रहा है और हम इसको खामा खामा ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर महीने हमारा विचार है कि इस तरीके की गोष्ठियाँ करें और ये देख करके थोड़ी आश्वस्त होते हैं कि जो सोच हमने शुरू की थी वो ठीक दिशा की ओर जा रही है। तो इसलिए कि हर बार नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इसका अभी केवल एक माह ही उसका जन्म हुआ है इस कथा कहानी का। हमने 30 जुलाई को प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर इसकी स्थापना की थी और आज ये दूसरी गोष्ठी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज की इस गोष्ठी में हमारे समय के दो सशक्त कहानीकार आपके समक्ष अपनी कहानियाँ पढ़ेंगे और साथ ही ऐसे लोग भी हमारे पास आज बीच में मौजूद हैं जिन्होंने हिंदी कहानी की दिशा को बदल दी, जिन्होंने हिंदी कहानी को लेकर के एक नया मानदंड स्थापित किया। संजीव सूत्रधार के जिन्होंने पढ़ा हो, संजीव का सूत्रधार तो हमारे बीच में है और शंकर जो कविकथा का निकालते हैं जो कहानी के छात्र हैं वो यदि आप देखें कि 20 सालों के बाद की कहानी को जैसे संजीव जैसे कथाकार और शंकर जैसे कथाकार हमारे बीच में रहे, इन्होंने कहानी के मूल संवेदना को बदल दिया, मध्य वर्ग से निकाल के कहानी को बाहर किया। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें बड़ी आश्वस्ति महसूस होती है। हमारे साथ हमारे समर्थ कथाकार महेश दर्पण जी हैं, एक अरसे से कहानियाँ लिख रहे हैं। कहानी के क्षेत्र में कहानी पर कोई भी यदि हम काम करें तो बिना महेश दर्पण की मदद से हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहानी की श्रृंखला का संपादन 10 खंडों में उन्होंने किया है, वो मैं दस्तावेज तो क्या कहूँगा, एक इतिहास कहानी के छात्रों को देखने के लिए वो दस्तावेज की तरह या इतिहास की तरह बारे बहुत सादगी और सहजता से वो कहानियाँ लिखते हैं। हमारी नई पीढ़ी के, मैं उसको नई पीढ़ी ही कहूँगा, के कथाकार विवेक मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और साहित्य के संस्कार से बचे बसे हैं। उस तरह के साहित्य के संस्कार नहीं है जो एम ए पीएचडी करने वाले छात्रों में साहित्य के संस्कार आते हैं, ये एक रचनात्मक स्तर पर साहित्य के संस्कार अपने में विकसित हैं। इन लोग आपके समक्ष आने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा आज के इस मंच को डेविएट करना चाहूँगा संजीव जी और शंकर जी की अनुमति से। एक अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि हम क्यों लिखते हैं। मैं आज के दोनों कथाकारों के सामने कहानी पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा वो दो दो मिनट इसमें भी बात करें कि क्या उनकी कहानियाँ समाज में कोई असर पैदा कर पा रही हैं, क्या ऐसे अनुभव उनके पास हुए हैं जिससे कि उनको लगे कि हाँ समाज में, समाज की सोच में लेश मात्र थोड़ा सा बदला हुआ है। हर के पास हुआ होगा जरूर, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे अनुभव वो हम सबके बीच में साझा करें। दूसरा, मैं उनसे ये भी एक जानना चाहूँगा कि क्या इतने लंबे अरसे से कहानियाँ लिखते हैं, संजीव जी बैठे हैं, चौबे जी हैं, राकेश तिवारी और शंकर जी हैं, जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर भी थोड़ा विचार करें कि हम इतने लंबे से लिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं और यदि नहीं पढ़ी जा रही तो हम क्यों लिख रहे हैं, क्या इसकी प्रासंगिकता। सवालों का जवाब मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आज के जो जो हमारे प्रमुख कथाकार हैं इनसे हम सुनना चाहेंगे। बाद में या कभी भी ऐसा भी नहीं, बहुत औपचारिक सी बात है, तो मैं पहले विवेक जी से कहूँगा कि वो अपनी बात शुरू करें।